नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIII के अंतर्गत। एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम NCERT सिलेबस की हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 10 एक दिन की बात साथ एक बहुत अच्छी और रोचक कहानी है उसको लेकर आए हैं। हम समझते हैं कि ये कहानी और ये पाठ आपने बच्चों को पहले बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है, और इस पाठ से जो भी संबंधित कॉन्सेप्ट था जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इन सब के बारे में भी आपने बच्चों को बहुत अच्छे से बता दिया है। आज आप बच्चों का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। पुनः अध्ययन कराने के लिए हम यहाँ पर एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं, साथ ही पुनः अध्ययन किया जाता है और कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद भी रखा जाता है। प्रश्न बैंक नामक नवाचार को क्रियान्वयन करने के लिए 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है, लेकिन 20 मिनट की समय अवधि जो है वो निर्धारित की गई है। प्रश्न बैंक एक बहुत ही अच्छा नवाचार और रोचक नवाचार है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से पूर्व बच्चों को निर्देशित दिए जाते हैं कि बच्चों आपको जो भी उत्तर देना है खड़े होकर विनम्रता पूर्वक उत्तर देना है। इससे बच्चों के अंदर विनम्रता का गुण विकसित होता है। साथ ही अगर किसी बच्चे को उत्तर देने में समस्या है तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। तो अब बच्चों को क्रियान्वयन के बारे में बताया जाता है कि बच्चों जो हमारा नवाचार है, जो हमारा पाठ है एक दिन की बात साहत, इस पाठ का पुनः अध्ययन आज हम एक गतिविधि के माध्यम से करेंगे और गतिविधि का नाम है प्रश्न बैंक। बच्चे गतिविधि का नाम सुनकर थोड़े भावुक और थोड़े खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे गतिविधि को समझते हैं कि कोई खेल है। तो बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों आप हम इस गतिविधि को क्रियान्वित करेंगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, तो चलिए इसके हम तैयार हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले 15 बच्चे हो तो पहले 5-5 के आप 3 ग्रुप बना लें। बच्चे 5-5 के 3 ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप में बैठने के बाद बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों हमारा जो पाठ है एक दिन की वाजाहत, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, समझिए, पढ़ते हुए समझते हुए आपको अपने मन से आपको प्रश्न बनाने हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्नों को आपको तैयार करना है। बच्चे प्रश्नों को बनाने लगते हैं। इसके बाद बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों जो आप प्रश्न बना रहे हो या आपने जो प्रश्न बनाए हैं इन प्रश्नों में कोई रिपीट, इसके लिए हम एक काम करें कि रिपीट ना हो, इसके लिए हम आप अपने ग्रुप का एक लीडर भी चुन लें। और इस लीडर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो ये देखे ग्रुप में किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हो। इसके बाद उन प्रश्नों को इकट्ठा करके दूसरे ग्रुप के लीडर के साथ साझा किया जाता है, ताकि दूसरे ग्रुप लीडर को ही पता चले किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। इसके बाद उन प्रश्नों को लेके शिक्षक तक भेजा जाता है और शिक्षक उन प्रश्नों के उत्तर बच्चों को उत्तर पुस्तिका पर लिखाते हैं। यानी जो प्रश्न बच्चों ने बनाए हैं उनके उत्तर बच्चों को उत्तर पुस्तिका पर लिखा जाते हैं शिक्षक के द्वारा। यहाँ पर जब शिक्षक उत्तर लिखा रहे होते हैं तब बच्चों से भी प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने प्रश्न बनाए हैं तो बच्चे बहुत उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ उत्तर देते हैं। तो बहुत ही रोचक प्रक्रिया है। बच्चे प्रश्न बनाते हैं, शिक्षक उत्तर लिखाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के पास एक प्रश्न बैंक बनकर तैयार हो जाती है जिसमें कि प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। इस प्रश्न बैंक का उपयोग करके बच्चे अभी तो पुनः अध्ययन कर ही रहे, साथ ही बच्चे कभी भी उनको पुनः अध्ययन करना होगा तो वो इस पाठ का पुनः अध्ययन आसानी से प्रश्न बैंक को उठा के कर लेते हैं। परीक्षा का टाइम हो या टेस्ट का टाइम हो, कभी भी वो प्रश्न बैंक को उठा के अपने पाठ का पुनः अध्ययन कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी और रोचक प्रक्रिया है ये। हम चाहते हैं कि आप इसको अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करें। बच्चों को भी उत्साहित होता है और बच्चे जब उठ खड़े होकर जवाब देते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, कि व्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। तो प्रश्न बैंक बच्चों के पास एक बनकर तैयार है जिसका पुनः अध्ययन बच्चे अभी तो कर ही रहे तुरंत में, लेकिन बाद में कभी भी प्रश्न बैंक को उठा के अपने पाठ का पुनः अध्ययन कर सकते हैं। ये नवाचार इसी ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि कभी भी आप प्रश्न बैंक को उठा के अपना पाठ का पुनः अध्ययन कर सकते हैं। बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बनाते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए कि आपा ने किसको नजरों से घूरा, घूरा कहर भरी। इसके अलावा आरएफ ने तुन्ना कर किसकी नकल उतारी, अब्बा की। तो इस प्रकार से बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं, जैसे कि खान सामा संज्ञा है या विशेषण है, तो ये संज्ञा है। इस प्रकार से बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर शिक्षक के द्वारा लिखा के प्रश्न बैंक तैयार होती है, जिसका पाठ का पुनः अध्ययन एक दिन की बात साथ पाठ का पुनः अध्ययन हमने देखा कि प्रश्न बैंक नवाक नवाचार के माध्यम से बहुत आसानी से किया गया। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIII के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइक देख रहे हैं तो ZIII के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।